चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 19 वर्षीय युवती के साथ गांव के ही 23 वर्षीय युवक उदय उराव के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार गांव में बुधवार को शादी का समारोह चल रहा था, जिस क्रम में रात लगभग 10 बजे युवती शादी घर से निकलकर कुछ दूर शौच करने गई थी। तभी पहले से रेकी कर रहा उदय उराव उक्त युवती को जबरन उठाकर गांव के ही अपने पुराने घर ले गया और उसके साथ देर रात तक दुष्कर्म किया। किसी तरह युवती उदय के चंगुल से छुटकर अपने घर भाग कर आ गई और अपने साथ घटित घटना की जानकारी अपने परिजन को दी, जिसके बाद शुक्रवार को पीड़ित युवती अपने परिजनों के साथ चैनपुर थाना पहुंचकर आरोपी युवक के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद चैनपुर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता ने दलबल के साथ गांव में छापेमारी कर दुष्कर्म के आरोपी युवक उदय को गिरफ्तार कर लिया। 1/6/2022 को भगत बुकमा में शादी समारोह था, उसी में रात्रि में पीड़िता शादी समारोह में गए थे, नाच गान हो रहा था। करीब 11 बजे पीड़िता को शौच लगा तो बगल में जा कर के शौच करने लगी। उसी क्रम में गांव के उदय उराव पिता आनंद भगत पीड़िता के पास जाकर उसको पकड़कर झाड़ी में ले गए और उसके साथ बलात्कार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।